सो फार व्हाट वी डन, सो फार हमने अभी तक सिर्फ उन्हीं लाइंस का ग्रेडिंग कैलकुलेट किया है जो जिसमें ग्राफ की लाइन या तो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रही थी या तो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ रही थी। लेकिन आज की क्लास में हम एक ऐसी लाइन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे जिसमें ना तो लाइन ऊपर जाएगी ना ही वो लाइन नीचे आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। हु कैन टेल मी ये कौन सी लाइन है? हमने लास्ट क्लास में एक बात पढ़ी थी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मुझे बताइए ये लाइन कौन सी है? इज दिस अ हॉरिजॉन्टल लाइन और इज दिस अ वर्टिकल लाइन? वेरी गुड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आज की क्लास में जो है हम हॉरिजॉन्टल लाइंस का ग्रेडियंट निकालना सीखेंगे। सब कुछ वही होगा, स्टेप्स भी वही होंगे, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस आएगा। चलो इसको आगे देखते हैं। आई एम गोइंग टू शो द स्क्रीन ऑफ माय बुक। इफ यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन जस्ट लेट मी नो बाय टेक्स्टिंग अ वाई इन द चैट बॉक्स। ऑलराइट, ऑलराइट, सो कैन यू ऑल सी द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू? क्या सब अपने सामने एक स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, सो इफ यू सी ऑन दिस ग्राफ, जस्ट लुक एट दिस ग्राफ फर्स्ट। अगर दिस इज अ ग्राफ, अगर आप गौर से देखिए इस ग्राफ की दो एक्सिस हैं। एक हमारे पास ग्राफ की ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमारी ग्राफ का क्या है, ये हमारी ग्राफ की एक्स एक्सिस है, सही। अगर आप सब देखें इसी ग्राफ पे हमारे पास जो है एक लाइन ड्रॉ हुई है, ये हमारी ग्राफ की लाइन है, सही, और इसमें कुछ पॉइंट्स ड्रॉ हुए हैं। ये कुछ पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं, ठीक है। अगर आप सब गौर से देखें तो ये हमारे पास जो है एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ देखें हमारे पास एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हुई भी है। दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन, वो लाइन जो लेटी हुई होती है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर अभी भी किसी को डाउट है इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, उनके लिए एग्जाम्पल ये है कि लेट्स सपोज आप खड़े हुए, जब आप खड़े हुए होते हैं कोई भी चीज जो खड़ी हुई होती है जो ऊपर की तरफ जा रही है दैट इज वर्टिकल। कोई भी चीज जो खड़ी हुई है वो क्या है, वर्टिकल। कोई भी चीज जो लेटी हुई है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल। खड़ी हुई हो तो वर्टिकल है, लेटी हुई हो तो हॉरिजॉन्टल है, फाइन। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लाइन कौन सी है, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हाउ टू कैलकुलेट दी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रेडियंट? फोर स्टेप, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है। देयर आर फोर पॉइंट्स ऑन द लाइन, इस ग्राफ पे फोर पॉइंट्स हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर गिवन, कह रहे हैं हमें ए का कोऑर्डिनेट बताया गया। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के एड्रेस को बोलते हैं, किसी भी पॉइंट के पते को कहते हैं जो हमें ग्राफ पे बताया जाता है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड डी। हमें यहाँ पे पॉइंट बी और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। हमें यहाँ पे पॉइंट बी का पता बताना है और पॉइंट डी का पता बताना है। ऑलरेडी अब जिस पेज में ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन हम पहले देखेंगे कैसे फाइंड किया है। जब भी हमें मैथ्स में किसी भी पॉइंट का पता लिखना होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले पहले हम उस पॉइंट के पास जाते हैं, ठीक है। सो हम पहले जा रहे हैं मिस्टर बी के पास।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी क्लास में लेट्स सपोज अभी रहे, तो अगर मुझे अभी का पता चाहिए तो मुझे पहले अभी से तो बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम्हारा पता क्या है, मुझे पता पता बताओ। पहले हम जा रहे हैं बी के पास, सो वी आर गोइंग टू मिस्टर बी। अब हम पूछ रहे हैं भाई बी आपका एड्रेस क्या है, तो बी क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ है, क्योंकि जब भी पॉइंट्स अपना पता बताते हैं या हम जब भी ग्राफ पे मौजूद पॉइंट्स का पता लिखते हैं, हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं कि एक्स एक्स पे क्या वैल्यू थी, फिर हम कॉमा डालते हैं और फिर हम वैल्यू लिखते हैं वाई एक्सिस पे, सही। तो पहले पॉइंट भी क्या करेगा, पहले हमें बताएगा कि वो वाई एक्स, वो पहले एक्स एक्सिस पे कहाँ पर है। पॉइंट बी पे ये कहाँ है, सॉरी एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट बी कहाँ है, कौन बताएगा मुझे, हु कैन टेल मी कि पॉइंट बी एक्स एक्सिस पे कहाँ है। वेरी गुड, वेरी गुड, पॉइंट बी जो है एक्स एक्सिस पे -1 पर है, वेरी गुड, -1 पर है, सो -1 पर है, वेरी गुड। हु कैन टेल मी कि ये पॉइंट बी वाई एक्सिस पे कहाँ है, ये पॉइंट बी वाई एक्सिस पे कहाँ पर है। अब मुझे गुलरेज नहीं बताएंगे, मुझे कोई और बताएगा। आई वॉन्ट समवन जी, कहाँ पर है, वेरी गुड, आपने नाम बताया, कौन था ये, वेरी नाइस, कीप इट अप अबीर। सो यहाँ पे पॉइंट बी का पता क्या हुआ, -1,2। अब हम आते हैं पॉइंट डी की तरफ, और मैं अपनी मर्जी से बस चूज करने वाली किसी को भी और जवाब देगा, मुझे जवाब देंगी अब इंसिया। इंसिया कैन यू हियर मी, इंसिया आपको मेरी आवाज आ रही है, इंसिया आपको मेरी आवाज आ रही है, नो इट्स, कैन यू हियर मी,